ताइवान में नए राष्ट्रपति के आते ही अब चाइना ने घेर लिया है और चाइना ने ताइवान को सजा देने का मन बना लिया है। लेकिन ताइवान को जो सजा मिलने वाली है, इसके साथ साथ क्या पूरी दुनिया को मिलने वाली है, क्योंकि TSMC ने किल स्विच को तैयार कर लिया है। क्या है ये किल स्विच जिसको लेकर बहुत ज्यादा बातें की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत को भी कोई बड़ा खतरा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान में ना एक के बाद एक कई घटनाक्रम हो रहे हैं। ये तस्वीरें हैं तब की जब पार्लियामेंट में एक मारामारी का माहौल बन गया, जबकि आपको बता दूं ताइवान के पार्लियामेंट में ऐसे हालात बहुत कम देखने को मिलते हैं, रेयर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर अगर विरोध प्रदर्शन करना होता है तो ये शांतिपूर्ण तरीका ही अपनाते हैं, पर पहली बार ये देखने को मिला। यहाँ पर जबरदस्ती एक बिल को पास कराने की कोशिश में ये सारी हरकतें हुई, और इसके ठीक तुरंत बाद एक अलग चीज ताइवान में देखने को मिल रही है। 30,000 की संख्या में छात्र, खासकर युवा, उतर आए हैं, ये भी हमने आपको कल बताया था। पर अब चाइना ने मन बना लिया है, और चाइना ने मन बनाकर क्या किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है और घेर कर ड्रिल करना शुरू कर दिया है चाइना ने। ना सिर्फ चाइना ने यहाँ ड्रिल करना शुरू किया है, बल्कि चाइना की सरकारी मीडिया वीडियोज भी जारी कर रही है। स्क्रीन पर इन वीडियोज को देख सकते हैं, जिसमें वो दिखला रहे हैं कि हाँ जी, हमने यहाँ पर ताइवान के चारों तरफ ड्रिल करना शुरू कर दिया है। एक प्रॉपर वीडियो रिलीज किया गया है, और इस वीडियो के द्वारा ग्लोबल टाइम्स के इस वीडियो को देख सकते हैं जिसे शेयर किया गया है, जिसमें ये दिखला रहे हैं कि हमने दर्जनों वार प्लेन्स, मल्टीपल डिस्ट्रॉयर, कई सारे फ्रिगेट्स, इन सब के साथ ताइवान को घेर कर युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसी चीज हो गई जो कहते हैं ना, एकदम से खुल्लम खुल्ला सामने आ जाना, और चाइना इस वक्त ऐसा ही कर रहा है। चाइना जैसे कि कह रहा हो कि हाँ जी, ये देख लो दुनिया कहाँ है, अमेरिका तुम भी देख लो, हम यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अब ऐसे सीन में ना याद आ जाती है अमेरिका के एक कमांडर जो इंडो पैसिफिक मामले के हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था और कहा था कि चाइना जो नियम अपना रहा है ना, चाइना की जो स्ट्रेटजी है, वो चाइना की स्ट्रेटजी एक बॉइलिंग फ्रॉग वाली स्ट्रेटजी है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जिस तरीके से एक नॉर्मल वाटर में रखा हुआ फ्रॉग, यानी कि मेढक, नहीं भागता है जगह छोड़कर, फिर धीरे धीरे पानी को गर्म कर दिया जाता है, तो वो मेढक अपने बॉडी के टेम्परेचर को पानी के हिसाब से कर लेता है, फिर भी नहीं भागता है, और अपनी एनर्जी को उसमें खपाता रहता है। जब बहुत ज्यादा उबलना शुरू कर देता है तो फिर वो चाह कर भी उस बर्तन से निकल नहीं पाता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। ऐसा ही इस वक्त हो रहा है ताइवान के साथ में। आप जरा देखिए, पहली बार जब चाइना ने यहाँ पर युद्धाभ्यास किया था तो ये कहा गया था कि क्या चाइना यहाँ पर एकदम से इन्वेड करने की तैयारी कर रहा है, बहुत उत्सुकता मची थी। पर धीरे धीरे कल की डेट में इस तरीके से ताइवान घेर चुका है, लेकिन ये खबरें कोई खास मायने नहीं रख रही हैं। लोग कहते हैं हाँ जी, ये तो होता ही रहता है, ताइवान को रोज ही चाइना कुछ ऐसे ही घेरता रहता है। पर कहा जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये आखिरी ड्रिल हो। अभी ताइवान का सीन कुछ ऐसा ही बन रहा है। वैसे यहाँ पर अमेरिका आगे आए या ना आए, जापान ने यहाँ पर कहा है कि अगर ताइवान को घेरने की कोशिश करता है या ताइवान पर हमला करता है तो जापान जरूर आएगा। अब जापान ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, जापान का ये मानना है कि एक बार अगर ताइवान स्ट्रेट पे हमला हो गया तो फिर इसका मतलब है कि ये जगह सुरक्षित नहीं रहेगी, फिर जापान पर भी हमला होगा। इसलिए जापान यहाँ पर
पर पहले से ही एक्टिव दिख रहा है। यूक्रेन मामले में भी जापान ने अमेरिका से सवाल किया था और ये कहा था कि बताइए आप यहाँ पर मदद करेंगे या नहीं मदद करेंगे, क्या ताइवान के साथ भी ऐसा होगा तो आप ताइवान के साथ भी डिले करेंगे मदद करने में। तो अभी के सीन में कुछ इस तरीके का दिख रहा है। पर क्या ये जो पूरा मामला है सचमुच में बहुत ज्यादा आक्रामक है और क्या इस मामले के लिए तैयार हो रहा है? नाटो के चीफ ने भी एक बार ये बयान दिया था और इस बयान में ये कहा था कि अगर यूक्रेन में रूस जीत जाता है तो चाइना हमला करेगा ताइवान के ऊपर। अब ये आज होगा या नहीं होगा, ये कहीं आखिरी ड्रिल है या नहीं है, ये कहना मुश्किल है। पर तैयारी आखिरी वाली जैसी ही दिख रही है। कैसी तैयारी दिख रही है? तो एक बड़ा ही भयानक चीज जो पूरी दुनिया से छीनने वाली है वो देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर TSMC के शेयर इस हालात के बावजूद 10% तक बढ़े हैं और इसकी सेल ग्रोथ भी बढ़ी है। TSMC ये चाइना के लालच की सबसे बड़ी वजह है। चाइना को इस जमीन के टुकड़े से कहीं ज्यादा क्या चाहिए, वो चाहिए TSMC। और TSMC के लिए अब प्लान बन रहे हैं और ये प्लान बेहद भयानक प्लान है। इस प्लान में कहा जा रहा है कि इन्होंने किल स्विच तैयार कर लिया है। अब ये किल स्विच क्या होता है? दो कंपनियां हैं ASML और ताइवान की TSMC। इन्होंने कहा है कि ये किल स्विच पुश कर देंगी अगर चाइना ने ताइवान में इन्वेड किया तो। अब इसका क्या मतलब है? दो कंपनियां हैं और एक कंपनी तो नीदरलैंड की है, पर नीदरलैंड की कंपनी काफी एडवांस ताइवान को मशीनें देती है और ताइवान उस मशीन का इस्तेमाल करके हाई टेक्नोलॉजी के एडवांस चिप बनाता है, सेमीकंडक्टर बनाता है। यहाँ पर ताइवान के जो टेक्निकल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमारा जो ट्रेड का सीक्रेट है और जो हमारी चीजें हैं जो काफी गोपनीय है हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी का, अगर चाइना हम पर हमला कर देता है तो हम किल स्विच दबा देंगे, मतलब उन मशीनों को खत्म कर देंगे, उस टेक्नोलॉजी को खत्म कर देंगे और चाइना के हाथ हम कुछ भी लगने नहीं देंगे। चाइना जो सोचकर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है वो कुछ भी उसे हासिल नहीं होगा। ये बात इन्होंने पब्लिकली कहनी शुरू कर दी है, मतलब ये भी अंदर खाने इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर हमला हो सकता है। भारत के लिए समस्या क्या है? अगर चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया, ताइवान स्ट्रेट बंद हो गया, अब इस ताइवान स्ट्रेट के बाद अगला नंबर चाइना भारत पर ही लगाएगा, भारत पर ही हमला करने की सोचेगा। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि इस ताइवान के मामले को देखना क्या चल रहा है यहाँ पर और इसका रिजल्ट क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।